हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। कैसे आप सब? स्वागत है आपका ब्लॉगिंग टिप्स फॉर यू में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले किस तरह से आप पीएनजी वेबसाइट्स खुद से बना सकते हो। देखो यार, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था जहां पर मैंने पीएनजी वेबसाइट्स के ऊपर केस स्टडी दिया था कि किस तरह से इस तरह की वेबसाइट्स काम करती है और कैसे लोग लाखों में ट्रैफिक ला करके अपनी वेबसाइट्स पे काफी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हैं मंथली का। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से आप इस तरह की वेबसाइट खुद से बना सकते हो, क्योंकि मैंने उस वीडियो में बताया था कि मैं आप सबके साथ यार पीएचपी जो स्क्रिप्ट होता है वो शेयर करूंगा ताकि आप उसे इंस्टॉल करके अपने वर्डप्रेस में इस तरह की वेबसाइट्स पे काम कर सकते हो। लेकिन मैंने काफी रिसर्च किया यार, मुझे कोई भी ऐसा जो इस तरह का जो दिखने वाला पीएचपी टाइप स्क्रिप्ट मिला नहीं। तो मैंने सोचा यार मुझे खुद से बनाना चाहिए, तो मैंने अपने लेवल पे यार आप सभी के लिए एक पीएनजी वेबसाइट तैयार किया। आई होप यार आपको पसंद आएगा। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं वो वेबसाइट किस तरह से दिखता है। तो यहां पे जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इस तरह से आपको ये वेबसाइट दिखाई देगा। तो यहां पे देखो, मैंने पूरी तरह से कस्टमाइज नहीं किया इस वेबसाइट को, लिटिल बिट काफी कम समय में यार मैंने इस वेबसाइट को तैयार किया है। अगर आप पूरा मतलब कि फॉर्मेट समझ जाओगे ना, फिर उसके बाद खुद से आप इस वेबसाइट को और भी ज्यादा प्रोफेशनल बना सकते हो, ठीक है। और सारा कुछ बहुत ही सिंपल है, इस वीडियो में आपको डिटेल में ए टू जेड गाइड करूंगा। तो यहां पे देखो, मैंने टाइटल डाल दिया, यहां पे सर्च बॉक्स भी दे दिया और यहां पे पीएनजी जो भी आप अपलोड करोगे वो सारा आपको होम पेज पे यहां पे दिखाई देगा, ठीक है। और यहां पे कैटेगरी भी मैंने नीचे में डाल दिया है। तो इस तरह से आपको ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट है वो देखने को मिलेगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ यार किस तरह से आप इस तरह की वेबसाइट्स को बना पाओगे। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो और साथ में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना भूलना मत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले यार हम बात कर लेते हैं कि इस तरह की वेबसाइट्स को बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो यार आपके पास वेबसाइट होना चाहिए, और वेबसाइट के ऊपर मैंने पिछले वाले जो पार्ट था गाइस उसमें पूरा डिटेल दिया था किस तरह से आपको डोमेन वगैरह रिसर्च वगैरह करना है। थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ। देखो, आपको वेबसाइट्स को बनाने के लिए सबसे पहले आपको होस्टिंग लेना पड़ेगा, और होस्टिंग के लिए सबसे जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है गाइस होस्टिंगर। यहाँ से आप अपने लिए एक चीप प्राइस में आप होस्टिंग ले सकते हो, और इसका फायदा ये है कि यहाँ से आपको डोमेन और जो SSL है गाइस बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट मिल जाएगा। तो ये बेनिफिट है, तो इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ अभी आपको बताऊंगा नहीं। इसका बेस्ट वाले लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से जाके आप चेकआउट कर लेना। बाकी डिटेल में मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ है, तो आप उस पार्ट को देखना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमें इस तरह की वेबसाइट्स को तैयार करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। तो जो बेसिक नीड था वो मैंने बता दिया, बाकी इसके बाद आपको चाहिए गाइस एलिमेंटर का प्लगइन, ठीक है। ये जो मैंने तैयार किया है गाइस, ये जो स्क्रिप्ट दिखता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये जो वेबसाइट मैंने तैयार किया है ये एलिमेंटर की मदद से तैयार किया है। तो आपके पास एलिमेंटर होना चाहिए और उसका प्रो वर्जन यार आपके पास होना चाहिए। ये अब आपको कहां से मिलेगा, सिंपली इसके लिए आपको gplblog.xyz पे आना है। यहाँ पे आपको काफी सारे थीम्स एंड प्लगइन्स काफी चीप प्राइस में मिल जाएगा, तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं तो gplblog.xyz टाइप करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। काफी सारे थीम्स प्लगइन्स यहाँ पे प्रोफेशनल है जिनका gpl वर्जन आपको मिल जाएगा काफी सस्ते प्राइस में। तो अब चलिए देखते हैं किस तरह से आपको इस तरह का वेबसाइट यार तैयार करना है। देखो, अगर आप फॉर्मेट समझ जाओगे बाकी आप इससे भी प्रोफेशनल खुद से आप बना लोगे। इसका मैं थोड़ा सा फंक्शनैलिटी आपको बता देता हूँ कि ये जो वेबसाइट है वो काम कैसे करता है। देखो, यहाँ पे कोई भी यूजर जैसे आएगा और उसको फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक पीएनजी इमेज को मतलब कि सेव करना है, तो वो क्या करेगा, सिंपली उस पर क्लिक करेगा। जैसे वो क्लिक करेगा और यहाँ पे देखो कोई भी आपको ऐसा डाउनलोड बटन वगैरह दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का ये एक एडवांस फीचर है। यहाँ पे क्या है ना, कोई भी यूजर जैसे इस इमेज पे क्लिक करेगा ये ऑटोमेटिकली ये जो इमेज है गाइस वो डाउनलोड हो जाएगा। भाई देखो, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखो वहां पे ऊपर टॉप पे ये सेव हो चुका है। तो इस तरह से ये स्क्रिप्ट काम करता है। बाकी यहाँ पे देखो, मैंने कुछ भी SEO के लिए वैसा आर्टिकल वगैरह नहीं डाला है, आप चाहो तो आप डाल सकते हो। सारा चीज मैं अभी आपको बता दूंगा, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए ये जो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट है वो तैयार किया था, ठीक है। काफी कम समय मैंने इसे बना दिया और आप भी बना पाओगे। तो अब हम चलिए देख लेते हैं डिटेल में आपको किस तरह से इस तरह का जो वेबसाइट है वो तैयार करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको वर्डप्रेस के बैकएंड में आ जाना है, और यहाँ पे सबसे पहले आपको यार जो एलिमेंटर का प्लगइन है भाई उसे इंस्टॉल कर लेना है। तो आपको क्या करना है, प्लगइन सेक्शन में जाना है और यहाँ पे जो भी आपने एलिमेंटर का प्लगइन मतलब कि इस gplblog.xyz से परचेज किया उसे आपने सिंपली यहाँ पे ऐड न्यू पे करके इंस्टॉल कर देना। और ये बहुत ही सिंपल है, काफी सारे वीडियोस में मैं दोहराता रहता हूँ किस तरह से इंस्टॉल वगैरह करना है, तो काफी सारे मेरे यूजर्स ये सारा कुछ बहुत ही आसानी से समझते होंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ये जो एलिमेंटर का प्लगइन है वो इंस्टॉल हो जाता है, एंड देन फिर आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे जो पेजेस का सेक्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे ऐड न्यू पेज पे जाना है, ठीक है। ऐड न्यू पेज पे जाना है एंड देन फिर यहाँ पे आपको एलिमेंटर पे इसे ओपन कर लेना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, जैसे ऐड न्यू पेज पे मैं आ गया तो यहाँ पे नया पेज ओपन होके आ चुका है। अब हमें क्या करना है, एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक कर देना है। आप चाहो तो यहाँ टाइटल डाल सकते हो कुछ भी,
चलो हम यहाँ पे डाल देते हैं पीएनजी वेबसाइट, लेकिन हम टाइटल को वहां पे शो नहीं करेंगे, इसे हम हाइड कर देंगे। तो हाइड करने के लिए यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, देखो काफी फीचर्स है, कंटेंट टाइटल हाइड, ठीक है। तो इससे आपका टाइटल दिखाई नहीं देगा होम पेज पे। तो आप क्या करेंगे, हम इसे एडिट विद एलिमेंटर पे कर देते हैं क्लिक। उससे पहले यहाँ पे कुछ और मैं बेसिक चीजें आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपका जैसे पीएनजी इमेजेस वगैरह उसे आप अपलोड कर लो, या फिर यार एक काम करते हैं, पहले हम होम पेज तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद में वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो आपको करना है सिंपली एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे तो जो ये आपका पटुआ पेज है इसको एलिमेंटर फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा आपके सामने, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और ये चीज यार मैं jplblog.xyz पे ही ट्राई कर रहा हूँ। तो आप क्या करना है, देखो अगर आप ऊपर का जो मेन्यूज और फुटर्स वगैरह रखना चाहते हो अपनी वेबसाइट्स पे, तो आप रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कैटेगरीज वगैरह मेन्यूज पे शो करना चाहते हो अपनी वेबसाइट्स पे, तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से रख सकते हो। लेकिन इस केस में देखो मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने यहाँ पे जो ये हमने वेबसाइट बनाई थी ये वाली, इसमें मैंने मेन्यूज और जो यहाँ पे फुटर्स है उसे मैंने शो नहीं किया था। इससे क्या है कि वेबसाइट थोड़ा सा यार प्रोफेशनल दिखता है काइंड ऑफ। बाकी जो मेन्यूज वगैरह वो आप इन्हें यहाँ पे नीचे भी शो कर सकते हो, सर्च बार के नीचे भी, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से जिसको जैसा पसंद है यार वो वैसा कर सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन दोनों को हटा देता हूँ। तो इसे हटाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे सेटिंग पे आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा पेज लेआउट में। तो यहाँ पे अभी डिफॉल्ट है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एलिमेंटर कैनवास पे कर देना है क्लिक। जैसे आप इतना क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे जो ऊपर का जो हेडर फुटर है वो गायब हो जाएगा, तो आपके सामने पूरा प्लेन आ जाएगा भाई, साइड बार वगैरह कुछ भी नहीं होगा, ये सारा कुछ गायब हो जाएगा, ठीक है। बाकी पोस्ट लेआउट में वो सारी चीजें शो होगी, वो किस तरह से होगा वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस आइकन पे कर देना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे प्लस पे, यहाँ पे काफी सारे स्ट्रक्चर्स आपके सामने आ जाते हैं। तो ये जो पहला है गाइस इसे हमने पहले सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे हमने डालना है टाइटल, ठीक है। देखो यार अगर आपको एलिमेंटर को यूज नहीं करना आता है ना, तो आप मुझे कमेंट कर देना, इसके ऊपर भी मैं एक प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगा जहां पे मैं ए टू जेड गाइड कर दूंगा एक एक चीज एलिमेंटर का, किस तरह से आप इन सभी चीजों को यूज कर सकते हो। बाकी यूट्यूब पे भी आपको और भी काफी सारी वीडियोस मिल जाएगी, तो उन्हें भी आप देख करके सीख सकते हो, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देन फिर आपको यहाँ पे मेन्यू सेक्शन पे आना है और यहाँ पे आप देख रहे हो ये हेडिंग है, तो इसे हम यहाँ से उठाएंगे और ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, H1 अपना हेडिंग देंगे। तो आप अपनी वेबसाइट्स का नाम कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैंने वेबसाइट्स का नाम वगैरह कुछ नहीं रखा था, मैंने जस्ट यहाँ पे लिख दिया था PNG इमेजेस डाउनलोड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑल टाइप ऑफ PNG इमेजेस अवेलेबल हेयर, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो, या फिर आप अपना कुछ भी जो चाहो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर हेडिंग को कर देंगे सेंटर अलाइन, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और इसे हम कैपिटलाइज कर देते हैं थोड़ा सा ताकि अच्छा लगे। तो एक एक वर्ड को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये सारी चीजें आप डायरेक्टली या टाइपोग्राफी में भी जाके कर सकते हो, लेकिन यहां से ही कर लेते हैं, ठीक है। बाकी देखो आप अपने लेवल पे भी इसे कस्टमाइज कर सकते हो, कलर वगैरह दे सकते हो। तो ये बेसिक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ ये सारी चीजें किस तरह से करना है। तो यहाँ पे हमने अपना जो हेडिंग है गाइस वो टाइटल हमने डाल दिया, तो अब ये ऊपर से चिपका हुआ लग रहा है, तो अब हम क्या कर देते हैं ना, यहाँ पे स्पेस डाल देते थोड़ा सा। तो यहाँ से स्पेसर हम उठाते हैं, मेन्यू में आना वापस और यहाँ से स्पेसर को उठा करके ऊपर ले जाना है यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है। आप जितना चाहो ऊपर से मतलब अपने टाइटल को स्पेस दे सकते हो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने स्पेस डाल दिया है, उसके बाद फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस आइकन पे करना है क्लिक और यहाँ से फिर से एक ये कॉलम ले लेना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, जो पोस्ट है गाइस उसका जो लेआउट है, बेसिक जो लेआउट होता है, यहाँ पे आपने एलिमेंट डाल देना है। देखो यहाँ पे सिंपली आना है सर्च में और यहाँ लिखना है पोस्ट। जैसे आप पोस्ट लिखोगे उसके बाद यहाँ पे देखो आपको पोस्ट का एक सेक्शन मिल जाएगा, इसे आप यहाँ से कर लो भाई ड्रैग एंड यहाँ पे ड्रॉप। तो जैसे आप इतना करोगे देखो आपके सामने जो हमने पोस्ट ऐड किया था वो सारा आपके सामने जो भी इमेजेस है वो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और ये सारा कुछ मैंने बैकग्राउंड में पहले ही कर लिया था, मैं अभी आपको एक पोस्ट क्रिएट करके दिखाऊंगा, उसके बाद बाकी पोस्ट आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जस्ट मैंने होम पेज का लेआउट आपको दे दिया जो यूजर्स को फ्रंट पेज पे दिखाई देगा। तो इस तरह से जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारे सामने एक कमाल का जो पीएनजी का इफेक्ट है गाइस वो आ चुका है वेबसाइट का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सर्च बॉक्स डाल देते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मेन्यू पे वापस आना है और यहाँ पे सर्च सर्च करना है, ठीक है। जैसे आप सर्च करोगे तो यहाँ पे ये एक आपको देखने को मिलेगा सर्च फॉर्म, तो इसे आपने यहाँ से एलिमेंट को पकड़ के यहाँ पे आपने डाल देना है, ठीक है।
इसके नीचे। तो यहाँ पे देख रहे हो हमारा जो सर्च बॉक्स है वो भी रेडी हो चुका है। अब हमारे पास यहाँ पे चाहिए हमें कैटेगरी, क्योंकि जो भी हम कैटेगरी वगैरह बनाएंगे, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी से रिलेटेड हम अपनी वेबसाइट से पीएनजी इमेजेस वगैरह को डालेंगे, तो आपको क्या करना है फिर यहाँ पे कैटेगरी का जो एलिमेंट है वो डालना है। तो सिंपली यहाँ पे आप सर्च करो कैटेगरी, आपको मिल जाएगा। तो ये है कैटेगरी, ठीक है। तो इसे हम यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे हम नीचे डाल देंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, अभी मैंने जस्ट PNG इमेजेस का एक कैटेगरी बनाया था, तो मुझे सिर्फ PNG इमेजेस का ही कैटेगरी शो हो रहा है। तो आप अपने हिसाब से शो करने ना, बाकी इस कैटेगरी में चेंज आउट वगैरह करना चाहो, जैसे ये जो है डिस्प्ले होना चाहिए ड्रॉप डाउन में, तो इस पर आप क्लिक कर दो। तो देखो ये जो आपकी कैटेगरी है कुछ इस तरह से दिखाई देगी, कोई भी यूजर सेलेक्ट कैटेगरी पे क्लिक करेगा फिर आपकी सारी कैटेगरीज नजर आएगी। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, यहाँ पे काफी लेआउट है, तो यहाँ पे शो पोस्ट कॉन्टेंट भी यहाँ पे शो कर सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये सारा कस्टमाइजेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो, मैंने आपको आइडिया दे दिया। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो यार, पूरा का पूरा जो हमारा रिजल्ट है यार वो रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसे कर देना है पब्लिश। तो जैसे आप इसे पब्लिश कर दोगे तो जो आपका वेबसाइट है भाई वो तैयार हो चुका। अब यहाँ पे देखो यार, आपको कुछ ज्यादा करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, कुछ भी जरूरत नहीं आपको पेड स्क्रिप्ट वगैरह लेने की। इस तरीके से आप अपना जो PNG वेबसाइट है भाई वो रेडी करके आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं, इस वेबसाइट को विजिट करके भी देख लेते हैं। तो देखो भाई यहाँ पे वेबसाइट प्रॉपर तरीके से हमारा बन चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। वो भी हमने मतलब कि मिनट में बना लिया वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ भी ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस आपको एक चीज का अभी काम करना है। मैं अभी पोस्ट क्रिएट करके आपको बताऊंगा, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से, जैसे कोई भी यूजर इस पे क्लिक करता है इमेज डाउनलोड हो रही है, इसका क्या चक्कर है वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। तो आपका जो लगभग वेबसाइट है भाई वो रेडी हो चुका है। तो अब मैं आपको यार एक पोस्ट करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह से ये जो स्क्रिप्ट है वो काम कर रहा है, ताकि कोई भी यूजर आता है डाउनलोड कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए वापस आ जाना अपने डैशबोर्ड पे, और यहाँ पे इस बार आपको पेजेस में सेक्शन में नहीं जाना है, आपको जाना है यहाँ पे पोस्ट में, और यहाँ पे एड न्यू पोस्ट पे करना है क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप एड न्यू पोस्ट पे आ जाओगे, उसके बाद यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी यार एक बेसिक HTML कोड की, जो आपके भाई ने यार आप सभी के लिए तैयार किया है। उस कोड का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। नहीं तो ये पूरा का पूरा मैं ऐसे ही कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप कॉपी पेस्ट करके आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो PNG URL लिखा है यहाँ पे, जस्ट जो इमेजेस आप अपलोड करोगे उसका URL यहाँ पे डालना है। किस तरह से ये काम करेगा मैं अभी आपको समझा देता हूँ। सिंपली हम क्या करेंगे, इस URL को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, मतलब इस कोड को, एंड देन फिर यहाँ पे आपको आ जाना है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से अपने PNG के हिसाब से टाइटल डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए डाल रहा हूँ, ठीक है, PNG 01 मैं लिख देता हूँ, चलो 08 हम लिख लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे पोस्ट सेक्शन में आना और यहाँ से ब्लॉक में आपको HTML सेलेक्ट करना है, ठीक है, कस्टम HTML इस पे आ जाना, और यहाँ पे जो मैंने कोड आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है ये वाली, इसको सिंपली हुबहू कॉपी करके एंड देन यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट कर दोगे उसके बाद अभी आप प्रीव्यू करके देखोगे तो अभी आपको यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है ना, जो आपने मतलब कि अपने यहाँ पे मीडिया सेक्शन में जो लाइब्रेरी में आपने इमेजेस को अपलोड किया है, उस इमेज का जस्ट आपको URL चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक इमेज को अपलोड कर लेता हूँ, ताकि आपको और भी बेहतर समझ आए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम एड न्यू पे करते हैं क्लिक, उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करना है फाइल, और यहाँ से कोई भी एक इमेज को आप उठा लो, ठीक है, जिसे आपको मतलब कि वहां पे शो करना है। फॉर एग्जाम्पल यार यहाँ से मैं कोई भी इमेज उठा लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसी को हम उठा लेते हैं। उसके बाद सिंपली आप ओपन कर दो ये पिनोकियो वाला, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हो, जो हमारा इमेज है गाइस वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है, और हमें यहाँ पे URL भी मिल चुका है। तो अब आपको कॉपी URL टू क्लिपबोर्ड पे कर देना है क्लिक। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो जो पर्टिकुलर URL है इस इमेज का वो कॉपी हो जाएगा। उसके बाद वापस आ जाना अपने न्यू पोस्ट पे, कहाँ गया भाई, यहाँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो PNG URL लिखा है ना, इसमें सिंपली आपको उस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जहां जहां पे गाइस मैंने PNG URL लिख करके दिया इस कोड में, वहां पे बस आपको जो वो लिंक है इमेज का वो पेस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। अब आप देखो यहाँ पे प्रीव्यू करके देखोगे आपको इमेज दिखाई देने लगेगा कुछ इस तरीके से। बाकी आप इसका विड्थ और हाइट भी चेंज कर सकते हो। वो कैसे करोगे, सिंपली HTML पे आ जाना है और यहाँ पे देखो विड्थ लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें अगर आपको विड्थ बढ़ाना है लाइक जैसे 600 करना है तो आप 600 कर सकते हो, हाइट में चेंजेस करना है तो वो आप कर सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल मैं डिफॉल्ट यहाँ पे 500x600 छोड़ रहा हूँ। तो आप अपने हिसाब से चेंज आउट कर सकते हो। जैसे गाइस यहाँ पे इमेज सेट हो जाता है, उसके बाद सिंपली आपको पोस्ट सेक्शन पे आना है और यहाँ पे फीचर्ड इमेज में इस इमेज को सेट कर देना है। सिंपली आपको सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक करना है और इस इमेज को सेलेक्ट करना है,
और यहाँ पे सेट फीचर्ड इमेज पे कर देना है क्लिक। तो इससे क्या होगा कि जो आप फीचर्ड इमेज पे इमेज लगाओगे ना वही आपको होम पेज पे दिखाई देगा और ये कंपलसरी है, ठीक है। इसके बिना अगर आप पब्लिश कर दोगे पोस्ट को तो फिर यार मतलब की बात बनेगी नहीं, सिंपली आपको जस्ट टाइटल ही दिखाई देगा, इमेज नहीं दिखाई देगा, तो वो यूजर को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है। और अगर आप लिटिल बिट एसईओ करना चाहते हो, मतलब कि थोड़ा सा आर्टिकल वगैरह आप इस इमेज से रिलेटेड यहाँ पे डालना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है जैसे आप वर्डप्रेस पे काम करते हो उस तरीके से। उसके बाद इतना सारा कुछ करने के बाद गाइस आपको कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं और सिंपली यहाँ पे अपडेट या पब्लिश पे कर दो क्लिक, ठीक है। जैसे आप इतना क्लिक करोगे तो जो आपका पोस्ट है गाइस वो रेडी हो चुका है। यहाँ पे देखो आपका पोस्ट तैयार हो चुका है और जैसे ही कोई भी यूजर इस पे क्लिक करता है ऑटोमेटिकली ये इमेज डाउनलोड हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे। तो इस तरीके से गाइस आप एक प्रोफेशनल पीएनजी टाइप इमेजेस वाली वेबसाइट्स को खुद आप बना सकते हो, ठीक है। कोई भी जरूरत नहीं यार आपको अपने पैसे को किसी भी पीएचपी स्क्रिप्ट वगैरह पे लगाने की। बहुत ही सिंपल तरीका, जैसा कि मैंने आपको सारे स्टेप यार ए टू जेड गाइड कर दिया, इसी तरीके से आपको काम करना है। और जो भी कोड वगैरह मैंने आपके साथ शेयर किया था इन सभी का मैं जो लिंक है गाइस वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। देन आई होप यार आज का ये वीडियो गाइस आपको पसंद आया। तो इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी यार अपने लिए एक पीएनजी वेबसाइट को बना पाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।